अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ इन, ऑन एंड एट का इस्तेमाल सीखेंगे कि इन को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ऑन को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और एट को। सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ ऑफ इन, इन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। जब कोई चीज़ किसी के अंदर हो, जब कोई चीज़ किसी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर हो जो चारों तरफ से घिरी हुई हो, ठीक है, तो उसके साथ क्या आएगा, इन आएगा। जैसे इन द स्कूल, इन द ऑफिस, इन द रूम, इन द हाउस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चारों तरफ से गिरी हुई होती हैं और चीज़ उसके अंदर हो। जैसे कोई भी बॉटल है, कोई बैग है आपका, कोई टेबल है, जब उसके अंदर चीज़ें हों तो क्या लगाएंगे आप, इन लगाएंगे, ठीक है। और इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इन बड़े शहरों, बड़े शहरों, ज़िलों, सूबों और मुल्कों से पहले भी इन आता है। इन बड़े शहरों के साथ आता है, ज़िलों के साथ, सूबों के साथ और मुल्कों के साथ भी इन आता है। जैसे लाहौर बड़ा शहर है, कराची बड़ा शहर है, फैसलाबाद बड़ा शहर है, इनके साथ क्या आएगा, इन आएगा। इन लाहौर, इन पंजाब, इन USA और कोई भी मुल्क हो सकता है, ठीक है। अब है दबू के ज़िंदा बैग, किताब बैग के अंदर है, बैग हमारा हर तरफ से कवर होता है, ठीक है, और बुक जो है हमारी बैग के अंदर है। इसी तरह मंथ्स, महीने और सालों के साथ भी इन आएगा। कैलेंडर, आप अपने माइंड में कैलेंडर ले लें, कोई भी कैलेंडर, कैलेंडर में कितनी चीज़ें होती हैं, चार चीज़ें होती हैं, ठीक है, कितनी चीज़ें होती हैं कैलेंडर में, चार चीज़ें होती हैं, उसमें मंथ्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, डेट होती है और डेज होते हैं, और बड़ी चीज़ें उसमें क्या हैं, मंथ्स और ईयर्स, और बड़ी चीज़ों के साथ क्या आएगा, इन आएगा। इसी तरह बड़े शहरों, ज़िलों, सूबों और मुल्कों से पहले भी इन आता है, और कैलेंडर में जो बड़ी चीज़ें हैं मंथ्स और ईयर्स, उनके साथ भी क्या आएगा, इन आएगा उनके साथ। इन मार्च, कोई भी महीना, यहाँ मार्च की जगह पर कोई भी महीना हो सकता है, ठीक है, अप्रैल है, मई है, जून है, कोई भी महीना होगा तो आपने क्या लगाना है, इन लगाना है। अब है इन 1947, कोई भी ईयर हो, यहाँ पे 1946 हो, 1945 हो, कोई भी ईयर हो तो आपने क्या लगाना है, इन लगाना है, ठीक है। अब है आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम इन अगस्त, मैंने अगस्त में अपने इम्तहान की तैयारी करना शुरू कर दी। अगर आपको कोई भी काम शुरू करने का कन्फर्म टाइम मालूम ना हो, कोई भी काम जो है वो एग्जैक्ट कौन से टाइम पे शुरू हुआ है, अगर आपको वो पता ना हो तो भी इन आएगा, ठीक है। जैसे इन मॉर्निंग इन इवनिंग, इन द चाइल्डहुड, इन सारी चीज़ों से पहले क्या आएगा, इन आएगा। ये इन, ऑन और एट का और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इसका थोड़ा सा ही आइडिया दूँगी। जब आप के माइंड में ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी तो फिर हम इसके बारे में नेक्स्ट भी करेंगे। अब है यूज़ ऑफ ऑन, अब हम क्या सीखेंगे यूज़ ऑफ ऑन, यहाँ पे मैं आपको मुख्तसर ही इसके बारे में फ़िलहाल बताऊँगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कैलेंडर में कितनी चीज़ें होती हैं, चार चीज़ें होती हैं, मंथ्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, डेज होते हैं और डेट। मंथ और ईयर जो बड़ी चीज़ें हैं उनके साथ आएगा इन, ये छोटी चीज़ें हैं डेज और डेट, इनके साथ क्या आएगा, ऑन आएगा। जहाँ भी आप डेज और डेट देखोगे आपने क्या लगाना है, फ़ौरन ऑन लगा देना है। ऑन मंडे, यहाँ पे कोई भी दिन हो सकता है। ऑन 25 मार्च, यहाँ पे कोई भी डेट हो सकती है। और इसी तरह एक और इसका इस्तेमाल है, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हो, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हो और उसे टच कर रही हो तो भी ऑन आएगा। जैसे ये बॉल पॉइंट है, मैंने इसको इस पेज पर रख दिया, ये इस पेज को टच भी कर रही है और इसके ऊपर भी है। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हो और उसको टच कर रही हो, और उसको क्या कर रही हो, टच कर रही हो, तो भी हमेशा ऑन आएगा। यूज़ ऑफ एट, अब यहाँ पे हम सीखते हैं एट का इस्तेमाल। आप कोई भी क्लॉक ले लें, क्लॉक आपने देखना है, क्लॉक मतलब घड़ी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्लॉक में क्या बताया जाता है, आवर्स बताए जाते हैं, घंटे होते हैं, मिनट्स होते हैं, सेकेंड्स होते हैं, और जहाँ भी MCQs में या किसी भी सेंटेंस में यहाँ आर्स का जिक्र होगा, मिनट्स का या सेकंड्स आएगा, तो आपने बगैर सोचे क्या लगा देना है, एट, उसके पहले क्या, जहाँ भी आर्स होंगे, मिनट्स होंगे, सेकंड्स होंगे, तो उनसे पहले आपने क्या लगा देना है, एट लगा देना है, ठीक है। जैसे एट 7 o'clock या एट 3 मिनट्स,
ठीक है, एट 45 सेकेंड्स। इसी तरह ये एट नाइट है, एट नाइट है, एट नून है, एट नाइट, एट नून, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, एट आएगा। कोई भी इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो, कोई ख़ास इवेंट हो, कोई फेस्टिवल हो, तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, एट आएगा। एट ईद, जैसे कोई भी ईद हो, एट ईद, एट बर्थडे पार्टी, आप कोई भी फंक्शन कर रहे हो, कोई भी चीज़ को मना रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ आपने हमेशा क्या लगाना है, एट लगाना है। ये चीज़ें याद करने वाली हैं और इन्हें आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। छोटे शहरों के साथ और मखसूस जगह, जो छोटे शहर होते हैं, बड़े शहरों के साथ तो इन आता है, जो छोटे शहर होते हैं, ठीक है, छोटे शहरों के साथ और मखसूस जगह जो फेमस भी हों, ठीक है, और मखसूस जगह जो फेमस भी हों, उनके साथ हमेशा एट आता है। जैसे आई लिव एट गोजरा, मैं गोजरा में रहती हूँ, ये छोटा शहर है, सियालकोट है, ये भी छोटा शहर है, ही लिव्स एट सियालकोट, वो सियालकोट में रहता है, ठीक है। छोटे शहरों के साथ और मखसूस जगह जो फेमस हों उनके साथ भी एट आएगा। आई वॉज एट मीनारे पाकिस्तान, मीनारे पाकिस्तान फेमस है, इसलिए इसके साथ क्या आया, एट आया। एट बस स्टॉप है, एट फूड स्ट्रीट है, कोई भी हो सकती है, एट रेलवे स्टेशन है, ठीक है। एट मुकर्रा वक़्त के लिए भी इस्तेमाल होता है, एट मुकर्रा वक़्त के लिए भी इस्तेमाल होता है, जब आपके कोई भी काम करने का कोई टाइम आपका फिक्स होता है, आपने वो मुकर्रर किया होता है कि आपने हर रोज़ ये काम इसी टाइम पे करना है, तो फिर उसके लिए भी एट का इस्तेमाल होता है। जैसे आई से माई फजर प्रेयर, आई से माई फजर प्रेयर एट 6 AM, कि जो मैं अपनी फजर की नमाज़ है वो 6 बजे अदा करता हूँ, ठीक है, ये एक फिक्स टाइम है। आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock, वैसे घड़ी घड़ी के साथ हमेशा एट आता है, ये बात भी इसमें हो गई, और दूसरी बात क्या हो गई, ये मुकर्रा वक़्त वाली फ़िक्स टाइम वाली, ये दोनों चीज़ें इसमें आ गई, तो इसके साथ तो फिर एट ही आएगा। आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock, अगर क्लॉक की बात आ जाए तो भी इसके साथ एट है, ठीक है, और अगर फिक्स टाइम मुकर्रा वक़्त है, ठीक है, मुकर्रा वक़्त के लिए भी एट का इस्तेमाल होना है, तो ये एक मुकर्रा वक़्त है, स्कूल जाने और आने का एक टाइम जो होता है वो फिक्स होता है, इसके लिए भी एट आएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं यूज़ ऑफ इन, ऑन और एट के बारे में, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।